चौधरी परवेज इलाही के वकील सरदार राजे को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरदार राजे को आरओ ऑफिस से गिरफ्तार किया गया है। वकील सरदार राजे चौधरी परवेज इलाही के कागजात नामजदगी की सिक्योरिटी के लिए गुजरात गए थे। अवैस सुबासी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए चौधरी राजिक जो है, चौधरी परवेज इलाही के वकील है सरदार राजिक, ये शेख रशीद के वकील भी रह चुके हैं। आज जो चौधरी परवेज इलाही के कागजात नामजदगी थी उनकी स्क्रूटनी के लिए ये रावलपिंडी से गुजरात गए थे। इसके साथ साथ चौधरी परवेज इलाही की अहलिया भी वहां पर मौजूद थी, तहम इन्हें जो है वहां पर आर ओ ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया और कागजात नामजदगी चौधरी परवेज इलाही की अहलिया से भी छीनेंगे। इसके साथ साथ सरदार राजिक के साथ इनके दीगर साथी वकला भी थे, इन्हें भी आर ओ ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वैस चौधरी परवेज इलाही के वकील सरदार राजे को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरदार राजे को आरओ ऑफिस से गिरफ्तार किया गया है। वकील सरदार राजे चौधरी परवेज इलाही के कागजात नामजदगी की सिक्योरिटी के लिए गुजरात गए थे। अवैस सुबासी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए चौधरी राजिक जो है, चौधरी परवेज इलाही के वकील है सरदार राजिक, ये शेख रशीद के वकील भी रह चुके हैं। आज जो चौधरी परवेज इलाही के कागजात नामजदगी थी उनकी स्क्रूटनी के लिए ये रावलपिंडी से गुजरात गए थे। इसके साथ साथ चौधरी परवेज इलाही की अहलिया भी वहां पर मौजूद थी, तहम इन्हें जो है वहां पर आर ओ ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया और कागजात नामजदगी चौधरी परवेज इलाही की अहलिया से भी छीनेंगे। इसके साथ साथ सरदार राजिक के साथ इनके दीगर साथी वकला भी थे, जिन्हें भी आर ओ ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे